हाँ, जो परिवार के जो मेल मेंबर्स हैं, जो उनके पिता के पिता हैं और दोनों भाई हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उसी के लिए उनको भेजा जा रहा है। कहाँ लेकर जाएंगे आप लोग? अभी बताते हैं, वो देखते हैं। अच्छा, जगह मतलब हाथरस में पूछती सीबीआई बढ़ेगी? देखिए, सीबीआई अपनी जाँच कर रही है और जाँच के बाद ही पता चलेगा, उनका अपना एक तरीका है तो वो जाँच के बाद ही। ठीक है, कल जैसे गैलन चप्पल जो पीड़ित लड़की थी, ये सभी सबूत के तौर पर सीबीआई लेकर गई है, कुछ अवशेष जो चिता स्थल के पास था ये सब लेकर गया है, आपको लगता है कि सीबीआई कुछ और चीजें तलाश रही है जो चाहिए जांच के लिए? देखिए, सीबीआई की अपना एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उनका तरीका होता है जांच करने का, उसी के हिसाब से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, तो वो जो भी उनकी जांच की फाइंडिंग्स होंगी वो जांच के बाद ही पता चलेगा। आप निजी तौर पर देख रही हैं, परिवार के लोगों को बार बार सीबीआई के पास जाने से कोई इनकार, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, इसीलिए उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है, जो परिवार के जो जेंट्स सदस्य हैं, पिता और दोनों भाई, उनको भेजा जा रहा है, बाकी जो महिला सदस्य हैं, जो पीड़िता की माँ है, पीड़िता की भाभी हैं, उनके बयान लेने के लिए हम लोग घर पर ही आएंगे। अच्छा, सीबीआई उनके बयान के लिए घर पर आएगी, तो पूरी उनकी सुविधा का उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी। तो आज ही होगा महिला सदस्य भी? अभी देखते हैं, अभी तो फिलहाल जो जेंट्स सदस्य है उनको भेजा जा रहा है।